हेलो एवरीवन, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, आपका स्वागत है इस सेशन में आपका। तो देखिए कि इकोलॉजी का जो बायोडिटीएस नो था उसमें टोटल 180 क्वेश्चन थे, 180 क्वेश्चन थे। उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टू 90 इकोलॉजी पार्ट फर्स्ट में अपन ने आपको सोल्यूशन दे दिया, और अब 91 से 180 ये इकोलॉजी पार्ट सेकेंड के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूरा अपन ने आपको उसमें सोल्यूशन दिया। आप समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य आपके अच्छे मार्क्स लाना तो है ही है, आपके ठीक अच्छे मार्क्स तो आए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा उद्देश्य है कि भाई आपके एक एक लाइन एनसीईआरटी तैयार हो जाए, ये टॉपिक आपका इकोलॉजी कवर हो जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में लेके आएगा। यस बेटा, तो बहुत ही अच्छे से आपको डायग्रामेटिक व्यू के अंदर और जो भी कंसेप्चुअल लाइन है या एनसीईआरटी लाइन पे जिन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, जिन कंसेप्ट पे, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। पूरी ट्राई किए कि सबको समावेश करें, फिर भी लाइंस कुछ रह गई हैं तो आप एनसीईआरटी से उसको कवर कर लें। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा अपन क्वेश्चन 91 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन 91, इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कैम इनटू फोर्स इन, कि भारत के अंदर वायु प्रदूषण और आप समझ सकते हैं रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम एक्ट कब लागू हुआ। तो आप भी जानते हैं बेटा जी कि भारत में जो वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, देखो ये मैं सारे एक्ट आपको याद करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप जानते हो जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974, फिर वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप समझ सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और नॉइज को एज ए एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड कर दिया एयर पोल्यूशन में तो 1987। यस, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सेकंड। यस बेटू, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ नॉइज विच में डैमेज ईयर ड्रम्स एंड कोज परमानेंटली इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी इज, कि शोर की विशिष्ट तीव्रता जो स्थायी रूप से बहरेपन का कारण हो सकती है तथा कर्णपट को क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका नॉइज आएगा, यहाँ पर नॉइज होगा। यस, और आप समझ सकते हैं कि 150 डेसिबल और उससे अधिक की तीव्रता की ध्वनि अपने अस्थायी बहरेपन का कारण हो सकती है, ईयर ड्रम क्षतिग्रस्त हो सकता, कान का पर्दा फट सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इक्वल एंड मोर देन 150 डीबी डेसिबल आंसर विल बी सेकेंड। यस, ये डेटा आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। और क्वेश्चन मैं आपको बात करूं बेटा कि जो क्वेश्चन आपके सामने 92 है, यस, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने आपसे कहा कि 272 पेज नंबर पे ये एनसीईआरटी के अंदर आपके डेटा है। यस, और अपन नेक्स्ट की बात करते हैं 93। तो देखिएगा क्वेश्चन 93, यस बेटा, द यूनिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हरियाणा वाज एग्जीक्यूटेड बाई, एकीकृत जैविक खेती का हरियाणा में अनूठा विचार लागू किसने किया था, उसको एग्जीक्यूट किसने किया था। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 93 पेज नंबर 280 पे आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस में लेकर आए थे हरियाणा के अंदर सोनीपत, जहाँ रमेश चंद्र डागर ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब की स्थापना की और उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। यस, एग्रीकल्चर के साथ उन्होंने एपिकल्चर को या आप समझ सकते हैं कि पशुपालन को भी महत्व दिया। तो आप समझ सकते हैं यहां पर आपके हैं रमेश चंद्र डागर, आंसर विल बी फर्स्ट। यस बेटू, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 94 है, पेज नंबर 284 पे है, एनसीईआरटी के अंदर है। मैं सारे पेज नंबर आपको बता रहा हूं बेटा, और आपको भी ढूंढना है। यस, तो ध्यान दीजिएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आर एसोसिएटेड विद विकाटो जलाओ कृषि किससे रिलेटेड है भी? तो आप समझ सकते हो डिफोरेस्टेशन है, जूम कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भाई। आप समझ सकते हो कि जो काटो जलाओ कृषि का मीन क्या होता है कि लोग सघन वनों के अंदर वहां से पेड़ों को काटते हैं और उनको जलाकर राख बनाकर मृदा का उपजाऊपन बढ़ाते हैं, वहां खेती करते हैं कुछ समय के लिए, फिर अपन मात्र नए एरिया में बढ़ जाते हैं। काटो जलाओ स्लैश एंड बर्न बोल दो उसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल दो, और आप समझ सकते हो डिफोरेस्टेशन हो ही रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर विल बी फोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट आप देखिएगा, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, आप समझ सकते हैं 285 पे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन।
ये बेटा 2018 के अंदर जब क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था तो लोग इधर उधर की गाइडों से आंसर की बनाते, इसमें आंसर नहीं ढूंढ पाए थे। ये एनसीईआरटी में लिख रखा, आप गूगल पे भी डालोगे तो उसमें इसका दशक बताया जाता है, जबकि एनसीईआरटी ने क्लियर कट लाइन लिख रखी है बायोडायवर्सिटी चैप्टर के अंदर कि आप समझ सकते हैं रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980 हैज इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ भाई स्थानीय समुदाय की भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में क्या लागू किया भाई, अपनी जैव विविधता को बचाया जा सके, इन वनों को, इन प्राकृतिक आवासों को, नेचुरल हैबिटेट को बचाया जा सके, इसमें लोगों की भागीदारी हो। तो गवर्नमेंट ने एक जॉइंट कमीशन लिया, उसमें क्या है कि उन लोगों को अपन बात रही की छोटे मोटे लकड़ी लेने के लिए या फिर कृषि करने के लिए कुछ जगह ऐसे आवास बनाने के लिए कुछ स्थान उपलब्ध कराए गए, बदले में वो वहां पेड़ पौधों की और वन्य जीवों की रक्षा करें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आता है JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, जिसकी स्थापना आप जानते हो संयुक्त वन प्रबंधन JFM की स्थापना 1980 में हुई, और इसके उद्देश्य, इसके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर करने चाहिए। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में 2018 में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीधा एनसीईआरटी से है। यस बेटू, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 96 है वो आप समझ सकते हैं, ये इंफॉर्मेटिव है। टेम्परेचर वेरिएशन इन पैसिफिक ओशियन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड, प्रशांत महासागर में वर्तमान में ताप का परिवर्तन कहला रहा है भाई। ग्लोबल वार्मिंग से आप जानते हो विषम जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, और प्रशांत महासागर में जो हो रहा है एलिनो या लालिनो प्रभाव, तो आप समझ सकते हैं यहाँ एलिनो इफेक्ट आपका हो जाएगा। क्योंकि देखो ये साइक्लोन चक्रवात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अलग ही बात होगी, गोडिको इफेक्ट तो एल्गी से रिलेटेड होता है कि डेप्थ पे जाता है तो फाइकोरिथ्रिन की मात्रा बढ़ती, वो आपका गोडिको है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, यस मेरे बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, मेन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि जैविक विविधता में व्यवधान का सबसे मुख्य कारण क्या है भाई। आज जैव विविधता की लॉस का सबसे बड़ा कारण है तो वो है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। देखो जैव विविधता की क्षति के लिए पिछले आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के आने से पहले 5 प्राकृतिक विलोपन हो चुके हैं, नेचुरल एग्जिशन हो चुके हैं, मास एग्जिटेशन हो चुके हैं, लेकिन अब जो है वो छठा है वो मनुष्य के कारण ही, एंथ्रोपोजन एक्टिविटी। और इसके लिए जैव विविधता की क्षति के लिए जो इविल क्वार्टेट होती है, बुराइयां होती है, इविल क्वार्टेट 4, उसमें सबसे पहले हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे भयंकर वाली जो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, हंटिंग उतना नहीं है, सोइल इरोजन, लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो आंसर विल बी 4। हाँ तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98, बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ पादपों के जंगली संबंधियों को संरक्षित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। देखो बेटा वैसे तो आप जानते हो कि इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होता है, एक्सिट्यू होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा होता है, यस। और ये सारे जैसे ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट, जीन लाइब्रेरी, स्टोरिंग सीड, क्राय प्रिजर्वेशन, ये सारी तकनीकियां हैं। हालांकि जो बिल्कुल ही संकटग्रस्त उसका तो आप जानते हो कि न्यून ताप पर -196 पे क्राय प्रिजर्वेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, पादपों के जंगली संबंधियों, तो प्लांट के वाइल्ड रिलेटिव जो फॉरेस्ट में है, तो फॉरेस्ट उनके नेचुरल हैबिटेट है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर आपका क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99, और बेटा आप समझ सकते हैं कि 99 जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 276 पे है ना, जो बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन आप एक पढ़ते होंगे कि मैक्सिमम डीटीटी इन बर्ड्स फीडिंग ऑन, तो भाई आप समझ सकते हैं कि किसको खाने वाले पक्षियों में सर्वाधिक डीडीटी होगा, तो बेटा आप जानते हो ना फाइटोप्लैंकटन से जूप्लैंकटन, स्मॉल फिश से लार्ज फिश, और फिर फिश ईटिंग बर्ड, तो ऐसे बर्ड जो फिश को ईट करते हैं, मछलियों को खाने वाले मत्स्य बक्सी पक्षी होते हैं, फिश ईटिंग बर्ड होते हैं, सीगल, जो क्वेश्चन आपका समुद्री इल, जो सीगल जो आपका नीट एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यस बेटू। तो आप समझ रहे हैं, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP कैन रिमूव स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र किसको उठाता है भाई। देखो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये जो 3 उपकरण आपको काम में लिए गए, ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना, प्रेसिपिटेटर, और आप जानते हैं स्क्रबर मार्जक और कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परिवर्तक। इसमें से जो ESP है ये आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये एग्जास्ट में या धुआं में मौजूद 99% तक सस्पेंड पार्टिकुलर मैटर यानी कणिकीय पदार्थ को हटा देता है। आप समझ सकते हैं बहुत ही महीन कण,
यानी 2.5 माइक्रोमीटर से भी और महीन कण या फिर SO2 जैसी गैस को नहीं अठा पाता, बाकी 99% कणिकीय प्रदूषकों को ये अठा देता है। आप अच्छे से जानते हो कि इसके अंदर ऐसे सबसे पहले ये जिंक की संग्राहक प्लेटें होती है और आप समझ सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कोरोना ये धूल के कण आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड उच्च विभव यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। यस बेटा, तो इसका मैं आपका सीधा आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर जो 101 है बेटा आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, निम्न में से कितने असत्य हैं। नॉइज इज ए एयर पोल्यूटेंट, आप जानते हो कि वर्तमान में नॉइज को भी एयर पोल्यूटेंट काउंट हो चुकी है, बिल्कुल सही है। ध्वनि वायु प्रदूषक है। मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल, जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हैं प्लेटिनम प्लेडियम रोडियम के, उसमें अनलीडेड वाटर अनलीडेड पेट्रोल यूज हो रहा है, बिल्कुल सही, वरना तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे कैटालिट। तो ये आप समझ सकते हैं कि करेक्ट है। CNG बर्न मोर इफिशियंटली अनलाइक डीजल एंड पेट्रोल, बिल्कुल सही। अपने बताया था कि CNG डीजल और पेट्रोल की तुलना में मोस्ट इफिशियंट फ्यूल है, अत्यधिक दक्ष ईंधन है क्योंकि इसका पूर्ण दहन हो जाता है। यस बेटू, एदर द हाइड्रोकार्बन अनब्रेंड हाइड्रोकार्बन कम बसते हैं। यस, और 0.1% इम्प्यूरिटी मेक द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन, ये भी सही है क्योंकि 0.1% इम्प्यूरिटी मिक्स होते ही वो डोमेस्टिक सीवेज बन जाता है। 99.9% वाटर होता है, 0.1% इम्प्यूरिटीज होती है जिसके रूप में आप जानते हो सोल्यूट पार्टिकल भी होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं। यस, और सैंड रे भी होती हैं। यस, COD वैल्यूज आर ऑलवेज हायर देन BOD, ये भी करेक्ट है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से भी हाई होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, बल्कि BOD ओनली ऑर्गेनिक के लिए रिक्वायर्ड होती है। यस, एग्रीकल्चर इंड्यूस एल्गल ब्लूम इन नियर बाय वाटर बॉडीज, ये भी करेक्ट है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट आपसे कुछ इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा 0। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट आपका क्या हो गया 0, आंसर विल बी फर्स्ट। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके NCERT से लिए गए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 102। इन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द ड्राई एंड डेड लीव्स, निम्न में से किस प्रकार के वन में पत्तियां सूखकर गिरकर ह्यूमस का निर्माण करती है। मैं इधर ध्यान दूं कि जो पर्णपाती वन है, शीतोष्ण पर्णपाती हो चाहे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती हो, एक सीजन विशेष में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं तो वो मर्त अवशेष ही तो हो गए। अब उन पत्तियों का क्या बनेगा बाद में, डेट्रिटस अपरद, और अपरद रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजन, अपघटन के लिए कच्चा माल है। तो यहाँ आप समझ सकते हो डेसिड्यूस फॉरेस्ट हो जाएंगे, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया, द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन वी कंसीडर द पारितंत्र घटक एक इकाई की तरह कार्य करते हुए दिखते हैं जब हम निम्न में से किसी एक फैलो पर नजर डालते हैं। यस बेटा, तो चाहे प्रोडक्टिविटी हो, एनर्जी फ्लो हो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चारों आप जानते हैं कि फंक्शनल एस्पेक्ट हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो गया। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। और बेटा आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 104 है 245 पेज नंबर पे आपका क्वेश्चन है। यस, सिंपल आपका क्वेश्चन है बेटा कि इकोसिस्टम नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी सिंथेसिस द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू, पारितंत्रों को निरंतर ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है जिससे कि आवश्यक अणु का वो निर्माण कर सके। तो आप जानते हो बेटा कि इकोसिस्टम में क्या होता है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो 90% का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, ठीक है, और 10% ही ट्रांसफर होता है। फिर आप जानते हो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर फिर 90% का लॉस होता है और 10% ही ट्रांसफर होता है। तो हीट के रूप में इतनी बड़ी लॉस इसको मेंटेन करने के लिए और कोई अव्यवस्था नहीं हो, डिसऑर्डरलाइनेस नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि निरंतर आपूर्ति, सोलर एनर्जी का निरंतर इनपुट जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। यस, और सेकंड लॉ ये कहता है, आप समझ सकते हैं कि भाई जो हीट के रूप में लॉस होता है वो आप जानते हो एंट्रोपी के मान में जो परिवर्तन है उस चीज़ को आपको शो करता है। तो दोनों ही रूल को ये फॉलो करता है और इसके अकॉर्डिंग देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवार्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइनेस, तो आंसर विल बी थर्ड। और आप अच्छे से देख सकते हैं बेटा कि जो क्वेश्चन नंबर 104 है
पेज नंबर 245 पे ये आपको इजी वे के अंदर सीधा एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखा है, आपको मिल जाएगा। यस बेटू, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट विथ मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, निम्न में से किसके अनुसार अधिक जातियों वाले क्षेत्रों में जैव भार में होने वाले साल दर साल विभिन्नता कम होती है। आप क्या जानते हो ना, डेविड टिलमान ने बात कही थी कि वहां उत्पादकता में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, वो सूखे के प्रति प्रतिरोधी होंगे। तो डेविड टिलमान की बात यहां पर आ जाएगी। टिलमैन को आप देख लें, 105 जो आपका क्वेश्चन है, 105 आपका जो क्वेश्चन है, तो डेविड टिलमान का आप वहां पर देख लें। यस बेटा, हाँ तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टॉप कंज्यूमर, भाई जो शीर्ष उपभोक्ताओं के लिए क्या सही है। यस बेटा, तो जो शीर्ष उपभोक्ता है, जो टॉप कंज्यूमर है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भी टॉप कार्निवोरस होते हैं टाइगर लॉयन, दे कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बिल्कुल करेक्ट है। दे मेंटेन प्रे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी लेवल, ये भी सही है भाई। वो शिकार समस्याओं को नियंत्रित रखते हैं, समुदाय स्तर पर शिकार जाति की विविधता को बनाए रखते हैं। दे एग्जिबिट ए ग्रेट लेवल ऑफ एसिमिलेशन भी होगा, एफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी लॉस आप जानते हो 60% होता है, और विवेकी स्वभाव तो होते ही, क्योंकि वो अपने प्रे शिकार को अपने भोजन के लिए ही शिकार करते हैं, यानी भोजन की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए ही, बाकी ऐसे नहीं कि वो ज्यादा एफिशिएंट हो। यस, तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट है, ए बी सी आंसर विल बी 4। हाँ तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 107, ए आर द बायोटिक फैक्टर ऑफ वन एरिया व्हाइल बी आर द बायोटिक फैक्टर ऑफ अनदर एरिया, सी इज कॉल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि ए यहाँ पर एक कम्युनिटी है, बी यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं ए इकोसिस्टम बी इकोसिस्टम, दोनों की बायोटिक कम्युनिटी है, बायोटिक कंपोनेंट को शो कर रहा है, तो सी क्या है, तो सी आप जानते हो बेटा कि ट्रांजिशन एरिया है, दोनों का संक्रमण क्षेत्र, और जो ट्रांजिशन एरिया होता है दो इकोसिस्टम का, उसको अपन बोलते हैं इकोटोन, इकोटोन। बेटा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि जैसे आप जानते हो कि कोई भी पार्ट है, मान लो स्थल है, तो स्थल से जस्ट आपका जल स्टार्ट नहीं हो जाता है, पहले आप जानते हो कि दलदली क्षेत्र आता है, फिर ओपन ओशिनिया झील में ही ये ओपन वाटर होता है, यहाँ वाटर अथा जल होता है, तो ये लिटोरल जोन होता है जहाँ जड़ी वनस्पति होती है, कीचड़ के अंदर जलीय, ये लिटोरल जोन होता है, लिटोरल जोन भी इकोटोन है, लेकिन यहाँ परफेक्टली आपको कह रखा है कि दो इकोसिस्टम का जो ट्रांजिशन एरिया है उसको आप क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इकोटोन आपका आंसर होगा, यहाँ पर आंसर विल बी 3। यस बेटा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, फिग कैन मेंटेन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फूड स्कैरसिटी इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एक्ट एज, उष्णकटिबंधीय प्रणपात में भोजन की कमी के दौरान अंजीर के पेड़ समुदाय की संरचना को व्यवस्थित बनाए रखते हैं। यानी बेटा आप जानते हो स्कार्सिटी होती है, फूड की स्कार्सिटी होती है, यानी कमी होती है, ध्यान दीजिए कैसे। बेटा फिग ट्री क्या करता है कि जनरली उस समय फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, उस समय पुष्पन और फलन देता है जब अनादर कोई भी टाइप का जो ट्री होता है वो ऐसा नहीं करता है। यस बेटा, अब आप जानते हैं किसी फॉरेस्ट में जब कोई भी प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा लेकिन फिग ट्री कर रहा है, तो उस समय सारे के सारे जो फॉर्गिवर्स, जो फलाहारी पक्षी हैं, वो डिपेंडेंट किस पे होंगे, फिग पे। तो फिग ट्री यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज है, कीस्टोन स्पीसीज, इसलिए अपन कहते हैं कि जो फिग है, अंजीर है, पीपल है, या बरगद बनियान ट्री है, ये कीस्टोन स्पीसीज होती है। इसलिए आप जानते हैं कि अगर मान लो 200 पार्थेनियम प्लांट भी नियर बाई ए ह्यूज बनियान ट्री, एक बड़े विशाल का बरगद के वृक्ष के नीचे अगर वो ग्रो करें, तो आप वहाँ अमाउंट्स को न लेकर, वहाँ परसेंटेज करो, या बायोमास को पैरामीटर लेकर आप डेंसिटी किसकी दोगे, उस बनियान ट्री की, क्योंकि उसकी कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, एनमरस रोल है, बड़ा महत्व है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा रोल होता है उसका। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कीस्टोन कुंजसिल आपकी जाति होगी, आंसर विल बी 4। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी विच इज चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन, अनुक्रमण के दौरान बदलने वाले समुदाय के कार्यात्मक लक्षण। यहाँ बेटा आपसे कहा है कार्यात्मक लक्षण, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, एक होता है फंक्शनल एस्पेक्ट, एक होता है स्ट्रक्चर। ये जैसे स्टैंडिंग क्रॉप है, स्पीसीज कॉम्पोजिशन है, ट्रॉपिक लेवल पे स्पीसीज कॉम्पोजिशन, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, स्टैंडिंग क्रॉप, या जो भी सोयल है, सोयल टेक्सचर है, दीज आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, बट फंक्शनल प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, आप जानते हैं डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। तो यहाँ देखिएगा एनर्जी यूज इफिशियंसी आप जानते हो चेंज होती है, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन बढ़ता है,
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब यहाँ पर आ जाएगा, वो भी आप जानते पड़ता है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी तो वहां पर आपका स्ट्रक्चर आ गया, तो ये नहीं होगा, बाकी सारे इंक्लूड होंगे, तो एबीसी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर विल बी फर्स्ट, यस। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110, तो देखिए मेरे बेटा 110 क्वेश्चन जो 251 पेज नंबर पे आपका है, और सिंपल आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वुड ऑपरेट ऑफ एन वोल्केनिक एरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, कि भाई ज्वालामुखी लावा या वन में आग लगने के कारण ऐसे दो एरिया है, तो आप बताओ कर्मश कैसे कैसे अनुक्रमण होंगे। तो ज्वालामुखी लावा तुरंत ठंडा हुआ लावा है, यानी न्यूली कूल्ड वोल्केनिक लावा, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्लेस जहां आग लगने से फॉरेस्ट फायर, कट एंड फायर्ड फॉरेस्ट, आग लग गई और जंगल नष्ट हो गया, तो आप जानते हो सॉइल तो है, तो फर्स्ट एग्जांपल में आपका प्राइमरी देन सेकेंडरी रेस्पेक्टिवली, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान दे लो आराम से भाई, न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, नव निर्मित तालाब है, नग्न चट्टान है, बेर रॉक बेर स्टोन, या फिर आप समझ सकते हो कि ज्वालामुखी का तुरंत ठंडा हुआ लावा है, सैंड ड्यून्स रेत के टीले हैं जहां कोई टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वो हाँ प्राइमरी सक्सेशन होता है, और कटे जले वन, कट एंड फायर फॉरेस्ट, छोड़े गए जो खेत हैं, यस, और भूस्खलन क्षेत्र या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र फ्लूडेड, या ये जो एरिया होता है वहां पर आप जानते हो सेकेंडरी सक्सेशन है, कि वहां सोयल पहले से अवेलेबल है, यस, और जहां बेर रोक होता है वहां किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो सारी बातें आपको मैंने क्लियर कर दी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ थ्री एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पीसीज ए बी सी दे गिव आउट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई तीन जातियों के उदाहरण का सही समूह। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप समझ सकते हैं कि मेटा सिकोया इन चाइना वैली की स्टोन नहीं है, लॉयन इन फॉरेस्ट क्रिटिकल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पोलिनेटर इंसेक्ट ऐसा नहीं है, कंगारू रैट इन डेजर्ट, माइक्रोराइजल फंजाई और मेटासिकुआ इन चाइना वैली, ये बिल्कुल सही है। रेगिस्तान में कंगारू चुआ कीस्टोन आप समझ सकते हैं क्रिटिकल लिंक, आप जानते हैं कि ये कवक मूल माइक्रोराइजा हो जाएगा है ना, क्योंकि वहां ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, और चीन की घाटी में मेटासिकुआ ये आपका हो जाएगा, तो बेटा आंसर विल बी थर्ड है ना। तीनों का आपको मिलान देखना है कि कहाँ कीस्टोन है, क्रिटिकल लिंक मतलब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, और एंडेमिक स्पीसीज स्थानिक जाति को आपको देखना है, तब आपका क्वेश्चन का मैचिंग होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डीकम्पोजिशन, निम्न में से कौन सा अपघटन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 112 एनसीईआरटी के पेज नंबर 244 पे क्लियर कट लाइन लिख रखी है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस अपरदी की रासायनिक प्रकृति, यदि अपरद लिग्निन से प्रचुर है तो अपघटन बहुत धीमा होगा, और यदि वो नाइट्रोजन या शर्करा युक्त घुलनशील पदार्थ युक्त है तो तेज होगा, लेकिन जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर दूसरा आपका आता है। क्लाइमेटिक फैक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेटा आप जानते हो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर तापमान और मृदा में नमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है दैट रेगुलेट डीकम्पोजिशन। हाई टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर कंडीशन होगी, उच्च आर्द्रता उस तापमान, तो सबसे फास्ट होगा आपका क्या डीकम्पोजिशन। कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाएगा लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं है तो नहीं हो सकता है, यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप जानते हो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में डीकम्पोजिशन की रेट फास्ट है कि वहाँ हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी है, और रेनी सीजन इज द बेस्ट सीजन टू ग्रोइंग माइक्रोब्स फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये बेटा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर सीधा एनसीईआरटी लाइन है, थर्ड आपका हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, मैच द फॉलोइंग कॉलम, निम्न स्तंभ का सुमेल मिलान करना है, स्तंभ एक और स्तंभ दो को आपको मिलान करना है। देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 113 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 263, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप जानते बेटा कि डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, लार्ज साइज बर्ड है बेटा, फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ने में सक्षम नहीं होता है, और डोडो आप समझ सकते हैं अच्छे से कि डोडो मोरोसिस से रिलेटेड है, और क्वेगरा जेब्रा के समान है, अफ्रीका से रिलेटेड है, थाइलेसिन जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर थाइलेसिन आपका हो गया उसमें से, और फिर आपका है कि बाघ की तीन उपप्रजातियां नहीं जो बाली से रिलेटेड है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आप जानते हैं कि फोर आपका हो रहा है। देखो फर्स्ट में सी हो गया डोडो मोरोसिस, सेकेंड में ए क्वेगा हो गया भाई अफ्रीका,
थर्ड में डी थाइलेसिन जो है, तस्मैन जो ऑस्ट्रेलिया से हो गया, फिर आपका थ्री सबस्पीशीज फॉर टाइगर बाली जावा कैस्पियन जो आपका है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104। यस बेटू, तो ध्यान दीजिएगा, विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन, कई बार आपका कॉलम में आ चुका है, 1974 आपका हो गया, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज मेजर बायोडायवर्सिटी लॉसेस, आपको पता जैव विविधता की हानि का सबसे प्रमुख कारण क्या, जो नीट एग्जाम 2018 में आया था, 17 में भी ये क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, तो आंसर विल बी फर्स्ट, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 116, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, थोड़े दिमाग की बात, ध्यान दीजिएगा। Given the graph below, the interaction between species first and second can be classified as, नीचे दिए गए आरेख के आधार पर प्रजातियां एक और दो के मध्य पारस्परिक अन्योन्य क्रिया का सही प्रकार निम्न में से कौन सा है। तो देखिए बेटा, मैं आपको कहता हूं कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में दो स्पीसीज होती है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। यस, आप जानते हैं कि जैसे मैं आपको कहूं कि म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में तो कोएवोल्यूशन होता है और कोएग्जिस्टेंस होता है, तो बोथ गेट बेनिफिट, लेकिन दोनों को एक साथ रहना एसेंशियल होता है, ठीक है। मैं कहूं आपको बेटा कंपटीशन, तो दोनों को क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। मैं आपको कहूं बेटा कॉमेंसलिज्म, तो कॉमेंसलिज्म देखो, वन इज अनअफेक्टेड और वन गेट बेनिफिट, ऐसी बात होती है, यस। और इसी से मैं आपको क्लियर करूंगा। और अगर प्रीडेशन की बात करें, तो प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन पे कंट्रोल करता है और वो प्रूडेंट होता है, तो ये आपके इंटरेक्शन वहां पे चलती है। यस, मैंने सारे ग्राफ आपके सामने क्लियर कर दिए, ये इसको आपको क्लियर करता हूं। स्पीसीज फर्स्ट एलोन, ये पहले लैग लॉग और अपना ग्रो कर रही है, रिसोर्सेज लिमिट होने पे सिग्मोइड आ रहा है। स्पीसीज टू एलोन, तो भी ये दोनों अलग अलग है, आपस में अच्छे से जी रही है, एक साथ आ गई एलोन एलोन और टुगेदर, ये टुगेदर हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ऐसा किसमें होता है, कॉमेंसलिज्म में होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इग्रेट बर्ड है, बगुला है, जब कैटल्स कैटलैन जो मवेशी पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, जब घास ग्रासलैंड में ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो उनके हैवी वेट से वनस्पति वेजिटेशन हिलती है, तो वहाँ जो वेजिटेशन इंसेक्ट है ऊपर आ जाते हैं, तो वो इग्रेट बर्ड को, जो बगुला, उसको ईजी वे में फाइंड आउट हो जाते, आसानी से मिल जाते हैं, बगुले को लाभ हो गए, लेकिन ग्रेजिंग एनिमल पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, दोनों अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जब मवेशियों को अपन घर पे ले आए, तो वो जरूरी नहीं बगुला साथ में आए, आया ना, तो यहाँ पर जन्मों की कसम नहीं होती है, इंट्रैक्शन हो रही है, तो किसी एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड है, और वो नहीं भी कर रहे हैं, तो सेपरेटली वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यस बेटा, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा कॉमेंसलिज्म। यस, बाकी तो कोई पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि देखो अमेंसलिज्म होता तो एक को माइनस होता, एक जीरो होता, म्यूचुअलिज्म होता तो ये बात होती, और कंपटीशन में तो आप जानते हो दोनों को नुकसान होता है, तो आप समझ रहे हैं यहां पर आपका हो गया कमेंसलिज्म, आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 117, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और 117 पेज नंबर 267 पे आप समझ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, और ये भी आपका केवीपीआई का क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं केवीपीआई के करवा रहा हूं दोनों। तो देखो, सैक्रेड ग्रुप फाउंड इन सेवरल रीजन इन इंडिया आर एग्जांपल हो, कि भारत के कई क्षेत्रों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं, जो निम्न में से किसका उदाहरण है। भाई भारत के अंदर ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के लिए टेक्निक लगाएगी, तो भारत के अंदर आप जानते हैं 90 नेशनल पार्क हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व थे, 448 और अब तो 450 से भी ज्यादा आप जानते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो सारे इंस्टीट्यूट और सैक्रेड ग्रुव्स जहां आप जानते हो कि ट्राइबल कंजर्वेशन यानी जनजातीय संरक्षण प्राप्त होता है, वहां के लोग वन्य जीवों की और वहां के पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करते हैं, वो सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं, तो वो आप जानते हैं कि इन सिटी कंजर्वेशन है, आंसर विल बी फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है, आपकी 2021 के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए जनरल फीचर ऑफ द ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी, निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक प्रजातियों की विविधता का सामान्य लक्षण का उदाहरण है, आप समझ सकते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए जनरल फीचर ऑफ द ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो केवीपीआई में आया, जो मैं बार बार आपको ये जिक्र कर चुका हूं कि अगर आप 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो सबसे लोएस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर,
अगर आप 0 डिग्री से पोल्स पर जाते हो, नॉर्थ पोल पे जाते हो, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो बायोडायवर्सिटी रेनफॉल और टेम्परेचर, बेटा ये क्या होते हैं, डिक्रीज। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल से यानी हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड आते हो, नॉर्थ पोल से इक्वेटर आते हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बायोडायवर्सिटी रेनफॉल और टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यस बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन देखो, इट इंक्रीज फ्रॉम हाई टू लो लैटिट्यूड। यस बिल्कुल, अगर आप उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आते हैं तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यस बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, लेकिन फिर और पढ़ लेते हैं। इट इंक्रीज फ्रॉम लो टू हाई लैटिट्यूड नहीं होगा, इट चेंज ओवर टाइम बट नॉट स्पेशली, आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है, और चेंज रेंडमली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यस बेटू, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 का अपन देखेंगे, बहुत अच्छी बात। तो देखिएगा, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको देखो ये मैंने कोड दे दिए हैं, और इजी वे के अंदर आपको मिलाना है सेमोसिरे बालूकोद भित, यानी जब सक्सेशन सैंड्यून्स सैंड पे स्टार्ट हो जहां कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, तो बालू पर कर्मक अवस्था, यानी आप जानते हैं कि सक्सेशन स्टेज ऑन सैंड हो गया अभी ए में थर्ड। फिर देखो सीरल ट्रांजिशन स्टेज, तो सीरल ट्रांजिशन में न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन क्या होता है, लो होता है। फिर देखो पाइनियर कम्युनिटी, पाइनियर कम्युनिटी आप जानते हैं फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी है, किसी भी बेर एरिया पे फर्स्ट जो कम्युनिटी आती है पाइनियर प्लांट्स आते हैं, लाइकेन और फाइटोप्लैंकटन, यस सारा बताया हुआ आपको। और डेट्रीओर्स क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, बेटा केंचुआ होता है ना अर्थवर्म, जो फार्मर का फ्रेंड है वो इंजेस्ट करता है सड़ी गली में उसके टुकड़े तोड़ता, फ्रेगमेंटेशन करता है, वो डिकम्पोजिशन नहीं है, बाद में बैक्टीरिया फंजाई जब पहले एंजाइम रिलीज करके पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, वो कैटाबॉलिज्म, और रियली में डिकम्पोजिशन वो है। यस बेटा, तो ये सारी बात आपके भी क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका है थर्ड। यस बेटा, तो थर्ड में आपकी मैचिंग हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 120, ए फूड चेन इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सोन। आपको स्थलीय पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है, यहाँ देखिएगा कि सोलर रेडिएशन ग्रास रैबिट और स्नैक, खाद्य श्रृंखला पूर्ण है। कोई समझे कि मैक्रो कंज्यूमर क्या ना पूर्ण है, भाई स्नैक के आगे पिकॉक और हॉक होता, तो कई बच्चे ये दिमाग लगा लेते हैं ये एवीपीआई का क्वेश्चन है तो पिकॉक और हॉक ऐसे लगा लेते हैं, भी टर्सरी कंज्यूमर नहीं है, टर्सरी कंज्यूमर नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। देखो एक फूड चेन के अंदर आप समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर हर्बिवोर्स ये होने चाहिए, फिर मैक्रो कंज्यूमर नहीं भी हो तो भी चलेगा, अगर प्रोड्यूसर है और प्राइमरी कंज्यूमर है, आप समझ रहे हैं, उन दोनों की डेथ हो गई तो डिकम्पोजर क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वहां वो जो इसकी इनकंप्लीटेंस होती है खाद्य श्रृंखला, जो ग्रेजिंग फूड चेन में अपन शो नहीं करते, लेकिन अगर शो करना पड़े तो सबसे ऊपर करेंगे, तो और मैक्रो कंज्यूमर हो या नहीं हो, लेकिन सबसे प्रायोरिटी यहां पर किसकी आएगी, एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर। यस बेटा, ऐसे क्वेश्चन कुछ कंसेप्चुअल कुछ अच्छे आईक्यू वाले बच्चे समझ पाते हैं, जो अच्छी एग्जाम्स के अंदर अपनी सुपीरियर रैंक बनाते हैं। आपको भी एक एक लाइन पर अपने काम करवाया है, इकोलॉजी मैं आपका एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा, पिरामिड से लेकर एक एक बात आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर करूंगा। यस बेटा, अभी नेक्स्ट पर आपको इकोलॉजी पिरामिड के क्वेश्चन आएंगे, सारी बातें आपके सामने क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, यूट्रोफिकेशन इज कंसिडर्ड बैड फॉर ए वाटर बॉडी बिकॉज इट लीड्स टू, बाय यूट्रोफिकेशन होता है, इनसेट ने लिख रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि नाइट्रेट फॉस्फेट इंक्रीज होता है, धीरे धीरे झील उथली गर्म हो जाती है, ऑर्गेनिक मलबा बढ़ता जाता है ना, तो फाइनली जब ऑर्गेनिक मलबा बढ़ता है तो बीओडी इंक्रीज होगी, तो वहां पर O2 की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई, जो डेड उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए O2 रिक्वायर्ड होगी। यस, तो बीओडी जब बढ़ती है तो O2 डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 122, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया पर ईयर इज, प्रतिवर्ष प्रति इकाई क्षेत्र में शुद्ध प्राकृतिक उत्पादकता का घटता हुआ करना। देखिए बेटा, अगर अपन प्राकृतिक पारितंत्र में एनपीपी का ऑर्डर पढ़े तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है। यस, उसके बाद देखिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल डेसिड्यूज, उष्णकटिबंधीय प्रणपाती, फिर आप जानते हो कि टेम्परेट डेसिड्यूज,
शीतोष्ण पर्णपाती, और फिर आप जानते हो कि कॉनिफर्स आपके होते हैं, ये तो मैंने आपको फॉरेस्ट का बता दिया, और ग्रासलैंड की फॉरेस्ट की कमी होता है, लेकिन डेजर्ट से ज़्यादा होगा, यस। लेकिन अगर वैसे दे दिया जाए कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, दूसरे नंबर पे कोरल रीफ होती है, जबकि ओशियन की एनपीपी कम होती है, ओपन ओशियन की जो लिटोरल जोन होते हैं या फिर इकोटोन वहाँ तो ज़्यादा होती है, बट ओपन ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि लाइट और नाइट्रोजन लिमिटिंग हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए एश्यूरीज डेजर्ट, लेकिन फिर ये ऐसा नहीं होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड स्वयं मार्सेस डेजर्ट सब टेम्परेट डेजर्ट ऐसा भी नहीं होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा, कोरल रीफ और फिर ओपन ओशियंस। तो आंसर थर्ड मोर करेक्ट यहाँ पर होगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर, इनमें से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी, स्पायरोगायरा भी ग्रीन एल्गी है, गोनियोलेक्स डायटम के बाद जो डायनोफ्लेजेट्स आते हैं डायनोफ्लेजेट्स है, तो आप समझ सकते हैं कि न्यूरोस्पोरा तो फंजाई है, और ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉप्स, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटिस रिलेटेड फंजाई है तो वो हेटरोट्रॉप्स है, तो आप समझ सकते हैं आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, जनरलाइज्ड प्रोफाइल ऑफ ए सोयल इन विच ए प्लांट इज ग्रोइंग इन सॉन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा एग्जाम का है, एनएससीबी 2019 यानी बायो ओलंपियाड 2019 का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि मिट्टी का सामान्यीकृत प्रोफाइल है जिसमें एक पौधा वृद्धिकर्ता दर्शाया गया है। बेटा आप जानते हो कि जो सोयल प्रोफाइल होता है, अपन अगर किसी सोयल का वर्टिकल सेक्शन लें तो देखो सोयल की अपर लेयर होती है जहाँ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, पादप के मृत अवशेष, लीफ होती है या डेड इंसेक्ट होता है, तो उसे आप कहते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे सोयल प्रोफाइल लेते हैं तो ये आप कहती है ओ लेयर, ओ लेयर जहाँ डेट्रिटस है, डेड रिमेन्स है, लेकिन उसके बाद थोड़ा बिलोपन जाते हैं तो यहाँ आप जानते हैं कि ह्यूमस कंटेंट ए लेयर होता है, फिर सब सॉइल आपका बी लेयर होता है। जानते हो प्लांट कहाँ तक ग्रो करते हैं, ए और बी, क्योंकि ए और बी सोलम वर्ड से आपका सॉइल आया, तो ए टॉप सॉइल होता है, ह्यूमस कंटेंट टॉप सॉइल जो ए होता है, यहाँ पर जिसको पी से शो कर रखा है प्योर के, है ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टॉप सॉइल होता है ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस युक्त, यस यस बेटो। और उसके बाद आपका जानते हो बी लेयर आपका होता है सब सॉइल होता है जहाँ तक प्लांट ग्रो करते हैं, फिर आप जानते हो कि कंकड़ पत्थर युक्त आर हो, मतलब फिर आप जानते हो पेरेंट रॉक आ जाती है, पेरेंट रॉक ये पत्थर चट्टान बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती है, पेरेंट रॉक आ जाती है, ये सॉइल प्रोफाइल है। अब वो कह रहा है कि भाई जनरलाइज प्रोफाइल ऑफ ए सॉइल इन विच ए प्लांट इज ग्रोइंग इज सोन, एक मिट्टी का सामान्यकृत मॉडल जिसमें एक पौधा वृद्धि करता हुआ है, नीचे पूछा है द रीजंस रिच इन ह्यूमस विल बी, कौन सा क्षेत्र ह्यूमस से अधिकता रखता है, तब तो आप जानते हो कि टॉप सॉइल रखेगी, ए ले रखेगी, यानी यहाँ पर जो पी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी पी ओनली, क्योंकि पी है यहाँ पर टॉप सॉइल है, शीर्ष मृदा है, ह्यूमस कंटेंट सॉइल है, यस बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केयूपीआई मैं बार बार कह रहा हूँ बायो ओलंपियाड 2019 का क्वेश्चन है, यस बेटा ध्यान दीजिए 12th एनएसबी 12th स्ट्रीम का क्वेश्चन है, यस। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट, एसिड प्रेसिपिटेशन रेफर्स टू रेन स्नो और फॉग विद ए पीएच लोअर और मोर एसिडिक देन पीएच 5.6, इट रिजल्ट प्राइमरी बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर, भाई वायुमंडल में किनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो एसिड रेन होती है, SO2 और NO2। आप समझ सकते हैं कि यहां पर आप क्या जाएंगे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो आप जानते हैं कि आंसर विल बी सेकंड, एसिड रेन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126, टू इकोलॉजिकल पिरामिड आर रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ए एंड बी, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वही एनएससीबी 2019 बायो ओलंपियाड 12th स्ट्रीम का क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन है, दिमाग और आपका एनसीईआरटी ने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाकर पिरामिड के अंदर आपको लिख रखा है। और मैं आपको बता दूं बेटा कि जो 126 क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पिरामिड दे रखे हैं वहां देखना, तो ध्यान दीजिएगा ये पिरामिड क्या है देखो, और इस पिरामिड और इस पिरामिड में आप अंतर कैसे डिफाइन करें, दोनों स्पिंडल से पिरामिड है, स्पिंडल का मतलब होता है तर्कुरूपी स्पिंडल, यस, तो स्पिंडल का मीन क्या होता है तर्कुरूपी आपके पिरामिड है। आप समझ रहे हो बेटा कि भाई अपराइट भी नहीं है और इन्वर्टेड भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, यस, तो उसको आप कहते हो स्पिंडल, क्लियर, या अपन कहते हैं रोमबोडियल, कैसे ध्यान से सुनना। अब इसमें आपको जो डिफरेंस है वो खोजना है, तो जो ए दे रखा ना ए,
ये ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम का पिरामिड है, ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम होता है बेटा वृक्ष प्रभावी पारितंत्र, यानी किसी एक वृक्ष हैवी ट्री की फूड चेन ली गई है। जैसे आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है ट्री, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्री, जो संख्या में कितना है एक। ट्री के ऊपर आप समझ सकते हैं कि फाइटोफैगस इंसेक्ट हैं, पादप अक्षी कीट उनको स्मॉल बर्ड खा रहे हैं, और स्मॉल बर्ड पर आपके लार्ज बर्ड है। एंशेंट लिख रखा है कि एक पौधे पर पादप अक्षी कीट हो, उन पर छोटे पक्षी आश्रित हो, और उन छोटे पक्षियों पर बड़े पक्षी आश्रित हों, तो किस आकृति का पिरामिड आएगा? तर्कुरूपी। यस, लेकिन आपको दोनों में तर्कुरूपी दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या डिफरेंस है फिर? तो डिफरेंस यहाँ बेटा आपको यहाँ संख्या क्या है, एक ये संख्या का वृक्ष प्रभावी पारितंत्र है, और ये आप समझ सकते हो कि यहाँ बायोमास का, और बायोमास का भी कहाँ आप समझ सकते हैं कि स्मॉल पॉन्ड में, लेक में, छोटी झील या तालाब के अंदर, वो जैव भार का पिरामिड है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइटोप्लैंकटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइटोप्लैंकटन संख्या में तो ज्यादा है, लेकिन फाइटोप्लैंकटन की जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो लिविंग बायोमास है, वो जूप्लैंकटन के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फाइटोप्लैंकटन रैपिड डिवीजन करके इनका बायोटिक पोटेंशियल हाई है, जैविक व्यू हाई है, तो अपनी संख्या को शॉर्ट लाइफ स्पान के तौर अपनी संख्या को बढ़ाकर अपने से ज्यादा जैव भार वाले, अपने से ज्यादा बायोमास वाले जूप्लैंकटन को पोषण की आपूर्ति कराते हैं। और आप समझ सकते हैं फिर जूप्लैंकटन स्मॉल फिश और लार्ज फिश के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल पॉन्ड के अंदर लार्ज फिश रेयर केस में हो सकती है, इसलिए ऊपर आप देखो वो बहुत ही नैरो आ रहा है, जबकि आप जानते हो कि ट्री सपोर्ट करेगा लार्ज पॉपुलेशन को, लेकिन वहां पर ऊपर जो लार्ज फिश है बहुत ही नैरो आपकी हो रही है। यस और नो? तो दोनों पिरामिड को आपको दिमाग से पहचानना है कि ए इज द पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम, बी इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन स्मॉल पॉन्ड और लेक। यस, आ जाइए आप ऑप्शन पे, ए इज बेस्ट ऑन बायोमास, बी इज बेस्ट ऑन एनर्जी एट एवरी लेवल, गलत हो गया, ए जैव मात्रा पर आधारित है, बी प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा पर आधारित है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इन बी द प्रोड्यूसर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड प्रोड्यूस एनफ फूड फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर एंड द टर्नओवर ऑफ द प्रोड्यूसर इज मच मोर रैपिड देन दैट ऑफ हर्बिवोरस, बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ फाइटोप्लैंकटन की स्टैंडिंग क्रॉप लो होती है, लेकिन अपने से ज्यादा स्टैंडिंग क्रॉप यानी बायोमास वाले जूप्लैंकटन की पोषण आपूर्ति कर पाते हैं, इसका मतलब है कि उनकी आर वैल्यू बायोटिक पोटेंशियल हाई है। तो ये आप पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, इन ए द साइज ऑफ द प्रोड्यूसर इज ह्यूज, बिल्कुल करेक्ट है, ट्री है वहां पर, और एंड सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवर्स इंसेक्ट को सपोर्ट करता है, करेक्ट है। इन बी द प्रोड्यूसर हैव लॉन्गर लाइफ स्पान, इन बी द प्रोड्यूसर हैव लॉन्गर लाइफ स्पान एंड इन ए द प्रोड्यूसर हैव शॉर्ट लाइफ स्पान, गलत हो गया, क्योंकि इसका लाइफ स्पान ज्यादा होगा ट्री का, जबकि फाइटोप्लैंकटन का लाइफ स्पान क्या होगा, शॉर्ट होगा। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, और थर्ड में आपका दे रखा है सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या है, इनकरेक्ट है। बायोलंपियाड क्वेश्चन का अपने आप में लेवल होता है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब कुछ समावेशित है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 127, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ emission of gases A, B, C, D respectively from the option given after the diagram. नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर मुक्त होने वाले गैसे A, B, C, D के स्रोतों को सही समूह को चुनिए आप। Yes, बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं, देखो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और 60% तो आपकी कौन रेस्पॉन्सिबल है, CO2, और यहाँ पर कौन है आप समझ सकते हैं, मिथेन CH4 20%, यहाँ पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पे N2। Yes, तो ये पाई चार्ट यही शो कर रहा है। अब देखिएगा कि आगे फिर ऑप्शन में और अच्छी बातें जोड़ रखी है आपसे, वो बातें क्या जोड़ रखी बेटा, ध्यान देना कि भाई यहां पर देखो, सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बताओ CO2 धान के खेत में थोड़ी निकलेगी, उर्वरक से भी नहीं, जीवाश्म ईंधन के दहन से, यानी आप समझ सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन के दहन से, तो ये ए के लिए करेक्ट हो गया। यस, फिर देखो पैडी फील्ड्स में मिथेन होती है चावल के खेत में, रेफ्रिजरेटर में CFC होती है, यस बेटा, और फर्टिलाइजर में N2O आपकी होती है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। यस, तो तीसरा आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, हायर नंबर डेफिनिया इन ए सैंपल ऑफ वाटर इंडिकेट, भाई देखो बेटा पानी के नमूने में डेफिनिया ज्यादा है, डेफिनिया तभी ज्यादा हो सकता है जब प्योर वाटर हो, मतलब पोल्यूटेंट कम हो, तो डेफिनिया इंडिकेटर है, इस इट मीन आप जानते हो कि डेफिनिया ज्यादा है, तो हाई DO लेस BOD, हाई DO है डीजल ऑक्सीजन ज्यादा है, और BOD क्या है, लो है। यस, तो आप समझ रहे हैं कि सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको शुरू में फर्स्ट इकोलॉजी पार्ट में क्लियर भी कर दिया,
कि ट्रायंगल सेप अगर एज पिरामिड होगा पॉपुलेशन का, यानी प्री रिप्रोडक्टिव अगर सबसे ज्यादा है, फिर आप जानते हो कि रिप्रोडक्टिव मॉडरेट है और सबसे फ्यूअर आपके हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो जाएगी, बढ़ती हुई समष्टि हो जाएगी, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130, तो 130 में देखो ये तीन बॉक्स आपको, चार बॉक्स दिए गए हैं, ए बी सी पादप प्रजातियां हैं, एक दो तीन जंतु प्रजातियां, एक्स वाई जेड सूक्ष्म जीव प्रजातियां हैं। अब आपको यहां से आंसर आपको लेना है, देखिएगा कि यहां पर जो आंसर आपका है थर्ड आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हैज मिनिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, मिनिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी फर्स्ट में ही है। फिर आपको दे रखा है सेकंड, डी हैज मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, डी में देखो ए भी है, पादप प्रजाति भी है, जंतु प्रजाति भी है और सूक्ष्म जीव भी है, तो डी में आपकी बात होगी, इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, इसका आंसर इजी वे के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 131, थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेज इन आवर रिवर्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ, हमारी नदियों की मूल कैटफिश मछली प्रजाति पर किसके आक्रमण का खतरा है, तो आप जानते हो कि गैर कानूनी तौर से अच्छे उत्पादन के लिए क्लेरियस गैरीपाइनस को लाया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो क्लेरियस गैरीपाइनस को जैसे ही लाया गया था तो अपने यहाँ पर जो लोकल कैटफिश थी वो आपकी मतलब एग्जिट हो गई थी, आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लेरियस गैरीपाइनस, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132, ये आपका 132 इजी वे में आपको बता चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं कि CO2 60% CH4 ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि CO2 60% CH4 20 N2O6 और CFC14 ये करेक्ट है, ये यहाँ पे ये रॉन्ग दे रखा है, तो थर्ड आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न्ड विद ओजोन डिप्लीशन, निम्न में से कितने ओजोन अपक्षय से रिलेटेड हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 Mile Island एंड चेरनोबिल इंसिडेंट, ये 3 Mile Island और चेरनोबिल दुर्घटना थी, तो ये तो आप जानते हो कि अलग ही न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट थे, आप समझ सकते हो ना, जैसे जो लीकेज थे एक तरह से, और न्यूक्लियर जो पदार्थ होते हैं उनमें विस्फोटक कहानियां ये थी, तो ये इससे नहीं है। फिर देखो एलिनो लालिनो, ये भी नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है, यस। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, स्किन कैंसर है, और CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट भी इससे नहीं है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और त्वचा का कैंसर या मोतियाबिंद ये इससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर जो है वो आपका होगा थर्ड, इन दो स्टेटमेंट आपके हो गए, यस बेटा। भाई जो 3 Mile Island और चेरनोबिल दुर्घटना है ना, ये तो न्यूक्लियर वेस्टेज से रिलेटेड है, और एलिनो लालिना ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या त्वचा कैंसर एक मोतियाबिंद, तुम जानते हो स्लो ब्लाइंडनेस हो जाती है ना, हिमंदता ये है, बाकी CO2 निषेचन प्रभाव नहीं है, यस। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 134, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। देखिए बेटा, पहले भी अपने बताया था कि ये सिग्मोइड कर्व है, और सिग्मोइड कर्व में आपको पूरा समझा चुका हूँ कि लैग, फिर लॉग और स्टेशनरी, यानी जहाँ कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी फर्दर ग्रोथ नॉट पॉसिबल, लैग हो गया लॉग में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये एसिम्प्टोटिक आप जानते हैं कि, तो यहाँ देखिएगा कि ए यहाँ पर हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, देखिएगा कि यहाँ पर सी ये एक्सपोनेंशियल फेज है, सी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फेज है, ये करेक्ट है, और ई एसिम्प्टोटिक फेज है, ये स्टेशनरी फेज है ई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बाकी कोई मैच नहीं खा रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम एक का कॉलम दो के साथ मिलान कीजिएगा, तो बेटा आप जानते हो माइग्रेशन, तो माइग्रेशन तो यहाँ ब्लू व्हेल के लिए आ जाएगा, हाइबरनेशन जो पोलर बियर के लिए आ जाएगा, एस्टिवेशन फिशेज के लिए आ जाएगा, डाइपोज जू प्लैंकटन के लिए आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर विल बी फोर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136, सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज इन वाटर बॉडीज बिकॉज इट कॉज मेजर वाटर पोल्यूशन, फिशेज इन सच ए पोल्यूटेड वाटर डाई बिकॉज, भाई वाहितमल, जैसे आप जानते हो कि वाहितमल को जलाशय में छोड़ा जाता है डोमेस्टिक सीवेज को, तो तुरंत BOD बढ़ती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया जो बायोडिग्रेडेबल है, और DO तुरंत घटती है, ऑक्सीजन डीजल ऑक्सीजन घटने से अन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है, तो आप जानते हो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ DO, यानी आंसर विल बी थर्ड, यस बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137, प्रोसेस इन विच
the fitness of one species significantly lower in the presence of another species is best defined as वह प्रकरण जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति को महत्वपूर्ण से घट जाती है, किस रूप से परिभाषित किया जाता है उसको आप समझ सकते हैं कि वो कॉम्पिटिशन है, स्पर्धा वहां पर हो रही है कि सुपीरियर को वहां अगर अपन हटाते हैं तो इन्फीरियर अपना एरिया वापस बढ़ाता है, इसका मतलब वहां कॉम्पिटिशन है, इसको ये शो करता है। यस बेटा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कितने खतन सत्य हैं, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारियों के कान और अग्रपाद आमतौर पर छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है एलन रूल। ये क्वेश्चन कई बार आपका नेटिव में आ गया, देखो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं का बॉडी साइज लार्ज बॉडी साइज होता है, बॉडी का साइज लार्ज होगा तो वॉल्यूम के कंपेरिजन में सरफेस एरिया आप जानते हैं कि कम होगा ताकि हिटलॉस नहीं हो सके, लेकिन जो बॉडी की एक्सट्रीमाइटीज हैं, एक्सट्रीमाइटीज यानी जो उपांग होते हैं ना, उपांग जैसे कान होते हैं, लंबी पूंछ होती है, फिर आपके लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, तो वो छोटे होने चाहिए, तो ठंडे प्रदेशों के कान पाद पैर ये छोटे होने चाहिए और गर्म प्रदेशों के ये बड़े होते हैं, यस ये एलन का रूल है। जबकि बर्गमान का रूल ये कहता है कि जो मैन बॉडी का साइज है वो ठंडे प्रदेशों का बड़ा होना चाहिए, गर्म प्रदेशों का छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा है सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वॉल्यूम के कंपेरिजन में, जितना बड़ा है सरफेस एरिया कम होगा, और हीट लॉस और हीट गेन सरफेस एरिया का फंक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए स्क्रबर रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्जक तुम जानते हो जिनको इलेक्ट्रोस्टेटर प्रेसिपिटर जिन कण के प्रदूषण नहीं हटा पाता, महीन कणों को 2.5 माइक्रोन से कम वालों को, और SO2 जैसी विषैली गैस को स्क्रबर हटा देता है, तो ये भी करेक्ट है। फिर देखो इलेक्ट्रोस्टेटर प्रेसिपिटर कैन रिमूव 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, कि थर्मल पावर प्लांट विद्युत संयंत्र से जो निर्वात होता है उसमें 99% कण के प्रदूषण को हटा देता है, ESP बिल्कुल करेक्ट है, और पार्टिकल साइज 2.5 और लेस डायमीटर आर नॉट फॉर हार्मफुल, ये गलत बात है। अरे भाई 2.5 से कम व्यास वाले कण के प्रदूषण तो अपने लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, ये CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है, सो NCERT की सीधी लाइनें हैं। यस बेटा तो यहाँ पर आप जानते हो कि ABC करेक्ट है, 3 करेक्ट है, और बाकी आपका 4 क्या है, इनकरेक्ट है। यस बेटा नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 139, द रीजन फॉर प्रिकली पेयर कैक्टस टू स्प्रेड इन ऑस्ट्रेलिया इज ब्रॉट बाई, कंटिन्यू नाग खनिक ऑस्ट्रेलिया में फैलाव किस कारण से हुआ, भाई जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रिकली पेयर कैक्टस को ले जाया गया तो वहां पर इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था मौत, जो मतलब कैक्टस फीडिंग मौत नहीं था, तो ये वहां इसका प्रोपगेशन थी बहुत तेजी से फैल गई, वहां पर तबाही मचा दी। तो आप जानते हो एब्सेंस ऑफ कैक्टस फीडिंग एनिमल, ये लो जी हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 140, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए बेटा कि द फिजियोकेमिकल कंपोनेंट ऑल्सो करेक्टराइज द हैबिटेट, भौतिक रासायनिक घटक अकेले ही, ये गलत बात, ओनली आपका आ गया, अकेले आपका गलत आ गया, बस एलोन नहीं आना चाहिए था, बाकी करेक्ट होता तो रॉन्ग हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट आर टेम्परेचर वाटर लाइट सॉइल, ये बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग NCERT, एट हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर इज सब जीरो, उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में तापमान अवशून्य हो सकता है अल्पाइन टुंड्रा पे, यस, और द मेनी मैंगो ट्री आर फाउंड इन जर्मनी, गलत बात, मैंगो ट्री का हैबिटेट होता है ट्रॉफिकल, और आप समझ सकते हैं कि मैंगो तो स्टेनोथर्मल है तो इससे बियॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप जानते हैं जर्मनी कनाडा तो आप जानते हैं टेम्परेट कंट्री यहाँ नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है B और C, तो आंसर विल बी थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। यस बेटा नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141, आप समझ सकते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा युग्म गलत है, तो बेटा आप समझ सकते हो कि फाइटोप्लैंकटन पाइनियर कम्युनिटी प्रोड्यूसर करेक्ट है, मैन टॉप कार्निवोरस कंज्यूमर, जू प्लैंकटन प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, मैन प्राइमरी कंज्यूमर और ओमनीवोरस। यस बेटा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा युग्म गलत है, तो आप समझ रहे बेटा कि यहाँ पर आपका 4 मैन प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है ना, PC और फिर ओमनीवोरस दे रखा है, तो गलत बात हो गई ना, यहाँ गलत हो गया, अगर वहां प्राइमरी कंज्यूमर होता फिर हर्बीवोरस आता, आप समझ रहे हैं, तो ये आपकी बात होगी, 4 ऑप्शन आपका इसका हो गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 142, हाईएस्ट डेंसिटी ऑर्गेनिज्म, जीवों का उच्चतम घनत्व, और आप समझ सकते हो कि पहली बात तो स्पीसीज रिचनेस भी हाई हो, एपिफाइट्स भी एबंडेंट हो, टेम्परेचर हाई एंड यूनिफॉर्म हो, क्लाइमेटिक इज ह्यूमिड एंड वार्म हो, जानते हो बेटा
ये तो बिल्कुल इक्वेटर के पास वाले फॉरेस्ट जो बिल्कुल नियर द इक्वेटर हैं, यानी आपके टीआरएफ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करेक्टर आपके हो गए, क्योंकि वहां पर आप जानते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पूरे साल उच्च वर्षा, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल और स्पीसीज रिचनेस वेरी हाई, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ एपिफाइट्स हैं, लीनास है, कंठलताएँ हैं और वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। यस बेटा, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 143, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू, किसी क्षेत्र में जैविकता की हानि का कारण हो सकता है। तो बेटा आप जानते हैं कि डिक्रीज वेरिएबिलिटी इन प्लांट प्रोडक्शन, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज करेगा। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, पादप उत्पादन उत्पादकता में कमी, तो ये आप समझ सकते हो। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस पावर डिक्रीज होगी। यस बेटा, और डिक्रीज ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। यस, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, है ना। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 144, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे दी गई सूची में कितने खतन सत्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इकोसेन टॉयलेट्स आर यूज्ड इन एरिया ऑफ केरला एंड श्रीलंका। इकोसेन शौचालय केरला और श्रीलंका में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यस बेटा, वही जल रोकथाम, ये भी करेक्ट है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये भी करेक्ट है। यस बेटा, हाँ मैदान क्षेत्रों में नहीं, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि प्लेन एरिया में नहीं, प्लेन एरिया में तो 33% ही होता है, 67 आपका माउंटेन एरिया में होता है, ये गलत हो गया। द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस इन गवर्नमेंट 1971, ये गलत हो गया। अभी पहले आया था जेएफएम 1980 के अंदर आपका आया, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ओनली एंड बी, ये करेक्ट है। यस, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 145, विच इज नॉट करेक्ट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, ई कचरे के लिए रिसाइकलिंग में कौन सा सही नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव स्पेसिफिकली बिल्ट फैसिलिटी फॉर दिस, विकासित देशों इसके लिए विशेष रूप से निर्मित सुविधाएं हैं, गलत हो गया। यस, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज में है। और रिसाइकलिंग इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, पुनर्चक्रण ई कचरे के इलाज के लिए एकमात्र समाधान नहीं है, ये सही है। और आप समझ सकते हैं कि इन द डेवलप्ड कंट्री रिसाइकलिंग इज डन बाय मैनुअल, नहीं वहां मनुष्य का कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 4 हो जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यस बेटू, तो आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, तो ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 146। यस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ स्पीसीज रिचनेस और एरिया में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि स्पीसीज रिचनेस और एरिया में, तो यहाँ देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये हो गया, S बराबर CAZ, ये घात में गया, Z की वैल्यू जनरली 0.1 से 0.2 होती है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर अपन किसी स्पीसीज के लिए अपन लार्ज एरिया कंप्लीट कॉन्टिनेंट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़कर स्टेबल होगी। जितना ज़्यादा बढ़कर स्टेबल होगा उतना ही ये जो ढाल में प्रवणता है, ढाल में प्रवणता बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड ढाल में प्रवणता ज़्यादा होगा। जैसे A से बी ज्यादा स्टिफनेस है तो बी ज्यादा डायवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आप समझ सकते हो बेटा कि जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो यहाँ लॉग स्केल पे लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, यानी आप समझ सकते हो कि वाई बराबर सी प्लस एम एक्स, जो आप समीकरण पढ़ते हैं फिजिक्स में वाई बराबर सी प्लस एम एक्स से आ रहा है, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो इससे आपका क्लियर हो रहा है कि एस स्पेसिफिक रिचनेस है, सी इंटरसेप्ट और जेड रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और ए आप समझ सकते हैं एरिया है। तो आप जानते हैं कि लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। मैंने आपको पहले भी ग्राफ के द्वारा एकदम करेक्ट वे में समझा दिया। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन 147, गिवन बिलो इज बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। तो नीचे वार्षिक तापमान और वर्षण के संदर्भ में ज्योम वितरण दिया गया है। बेटा ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम जो बहुत पहले आ जाना चाहिए, यहाँ चैप्टर फर्स्ट का डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है। ये आपको जो इक्वेटर लाइन है ना, इक्वेटर लाइन से आप चाहे नॉर्थ पोल की बात करें या इक्वेटर लाइन से आप चाहे साउथ पोल की बात करें, वैसा आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन दे रखा है। तो देखो यहाँ टीआरएफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को शो कर रखा है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। आप जानते हो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल ये है, ये आप जानते हो कि टेम्परेट एरिया है, ये कॉनिफर्स है ये टेम्परेट एरिया है। ये ग्रास लैंड है जो सबसे ज्यादा ओवरलैप करता है, ये आप समझ सकते हो कि ग्रास लैंड डेजर्ट है, और ये एल्पाइन और आर्कटिक टुंड्रा है जो ट्रीलेस बायोम है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ए जैविकता में प्रचुरता, बिल्कुल करेक्ट है। बी
ट्रीलेस बायोम, तो बी आपके ग्रासलैंड है जनरली, सी आपका कॉनिफर एंड एवरग्रीन ट्री, और डी एपिहमर एंड सकुलेंट जीरोफाइट। तो डी आपका ये जीरोफाइट है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कॉनिफर और एवरग्रीन नहीं है बेटा, किसमें, सी में, ये टेम्परेट है, ये इसमें आपका होता जो आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे कॉनिफर्स, तो आपका ये आपके होते यस। तो आंसर विल बी थर्ड, आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना आपको। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 148, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय यूटिलाइजिंग नॉन बायोलॉजिकल पैरामीटर, निम्न में से कौन से केसेस में समष्टि घनत्व, तो आसानी से एजीवी मापदंड, तो मैंने कहा था ना नॉन बायोलॉजिकल पैरामीटर, बिना देखे बिना गिने, विदाउट काउंटिंग विदाउट सीन, फिर भी अपन डेंसिटी को काउंट कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो फिश डेंसिटी नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियन कल्चर प्लेट नहीं होगा, साइबेरियन क्रेनेट भरतपुर नहीं होगा, टाइगर सिनेसिस बाघ समष्टि, फीकल प्लेट्स मल गुट्टिकाएं, और आप जानते हो पग मार्क को देखकर अपन कर देंगे, तो आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149, टू इकोलॉजिकल पिरामिड आर ड्रॉन बिलो इफ फर्स्ट रिप्रेजेंट एक्वेटिक सेकंड रिप्रेजेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर, तो बेटा ये वही दे रखा आपको, और ये क्वेश्चन कई बार जब 2013 में 2012 में एपीएमटी मेंस में वो आपको दे रखा था, कई बच्चों ने वो वृक्ष और घास के मैदान भेड़ वाला कर दिया था, बड़ा वहां पर आपका था कि ट्री के ऊपर इंसेक्ट छोटे पक्षी और बड़े पक्षी है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये यहां संख्या एक होती तो ये ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम का है, और ये आप जानते हो कि बायोमास का है, तो देखो ये तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम, ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम वृक्ष प्रभावी पारितंत्र का है, और यहां आप समझ सकते हो कि बायोमास जो स्टैंडिंग क्रॉप है बायोमास का है, यस बेटा, जो आप जानते हो कि बायोमास का है एक्वेटिक फूड चेन के अंदर स्मॉल पॉन्ड या लेक में, तो ध्यान दीजिएगा पिरामिड फर्स्ट इज बेस्ड ऑन बायोमास, करेक्ट है, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन स्मॉल फिश लार्ज फिश यस ट्री इंसेक्ट स्मॉल बर्ड और लार्ज बर्ड, ठीक है, पिरामिड सेकंड बेस्ड ऑन बायोमास, गलत, सेकंड आपका नंबर पे बेस्ड है, नंबर पे बेस्ड है सेकंड, यस ट्री डोमिनेंट ये नंबर पे बेस्ड है, द अनसेप्ड बॉक्स इन पिरामिड फर्स्ट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जू प्लैंक्टन को, करेक्ट है, सेकंड इंसेक्ट को, ये भी करेक्ट है, तो ये थर्ड भी करेक्ट है, और आप समझ फोर्थ पिरामिड फर्स्ट और सेकंड बेस्ट ऑन एनर्जी ये गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा फोर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, यस बेटा, वो क्वेश्चन जो ओलंपियाड में आया था कई बार टेस्ट पेपर में कई जगह आपके एग्जाम में आपके नीट एग्जाम में सब में क्वेश्चन आ चुका, बहुत तरीके से इसको क्लियर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बेटा देखो मैं आपको बता दूं, एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज अपराइट, सन से 1% ट्रॉफिक लेवल में 10%, कभी गलत नहीं होगा, पिरामिड ऑफ नंबर ऑलमोस्ट अपराइट अधिकांश सीधे, नंबर का पिरामिड ओनली एंड ओनली ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम में, पैरासाइट फूड चेन तो इन्वर्टेड उल्टा, और अगर ये फूड चेन है तो आप समझ सकते हैं कि स्पिंडल हो गया, रोमोडियल हो गया, तर्कुरूपी हो गया, और बायोमास के पिरामिड भी ऑलमोस्ट अपराइट होते हैं, बायोमास का ओनली एंड ओनली ओशियन में तो इन्वर्टेड और स्मॉल पॉन्ड में तर्कुरूपी, इसके अलावा पिरामिड को बहुत तरीके से आप हमारे लेक्चर्स में और देखें, मजे करें, मस्त रहें। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 150, गिवन बिलो आर द सम यूटिलिटेरियन सर्विसेज ऑफ बायोडायवर्सिटी फॉर द बेनिफिट्स इन बॉक्स, मैंने आपसे कहा था बेटा व्यापक उपयोगिता वाली सेवाएं वो होती हैं जिनका मूल्य अपन ज्ञात नहीं कर सके, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट की तो आपकी नैरो यूटिलिटेरियंस होती है, संकीर्ण उपयोगिता सेवाएं, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, तो आप जानते हैं कि देखो ये टिम्बर तो नैरो है, पोलिनेटर ये व्यापक है, ये रेस्पिंग क्यूनिन ये भी नैरो है, परफ्यूम नैरो है, गैसेस कॉम्पोजिशन ये व्यापक है, क्योंकि जलवायु संगठन की बात आ गई, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लोर इन फुल ब्लॉम बसंत में पुष्पों को देखना ये मनोरंजन आध्यात्मिक लाभ है, तो ये आपका ब्रोडली है, ये ब्रोडली है, ये ब्रोडली है, और ये ब्रोडली, इन ब्रोडली यूटिलेरियन हो गई, तो बची हुई चार आपकी हो गई नैरो यूटिलेरियन, तो आंसर फोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पहले भी क्वेश्चन आ गए ESP, इसमें देखो ये नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वायर है, 1000 वोल्ट जब इनसे पास किए गए तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कोरोना हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कोरोना से डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से पास हुए जिंक प्लेट पे नीचे गिर गए और क्लीन एयर आगे चली गई, यस बेटा, यहाँ पर आपसे कह रखा है कि एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कोरोना, इलेक्ट्रॉन विसर्जन, कोरोना विसर्जन है, आंसर विल बी फर्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये जिंक की संग्राहक प्लेटें हैं, ये धूल के कण है, ये क्लीन एयर आपकी हो गई। यस, तो आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 152 क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है। यस बेटू, ध्यान से सुनना। सेलेक्ट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। मैंने आपसे क्या कहा था कि देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यहां से एनर्जी एनर्जी है ना, और न्यूट्रेंट कंज्यूमर पीसी पे, एनर्जी और न्यूट्रेंट एससी पे, यस, और टीसी पे, और ये मैक्रो कंज्यूमर तो भी नहीं चलेगा। मतलब आप समझ सकते हो, अगर मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि देखो यहाँ मैं इस साइन से एनर्जी फ्लो बताऊँ जो फूड के फॉर्म में होता है, और इस वजह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बताऊँ, तो मैंने कहा था ना कि इकोसिस्टम को रन करने के लिए प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर इसेंशियल है। मैक्रो कंज्यूमर नहीं भी हो तो भी इकोसिस्टम रन कर सकता है, चल सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनर्जी फ्लो इसके इसेंशियल फंक्शन है। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर से ये एनर्जी गई, ये न्यूट्रिएंट, प्राइमरी कंज्यूमर ये एनर्जी गई, ये न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी कंज्यूमर ये एनर्जी गई, ये न्यूट्रिएंट, टर्शियरी कंज्यूमर मान लो। अब इनमें से किसी की भी डेथ हुई, किसी की भी डेथ हुई तो ये डिकम्पोजर पे आ गया, एनर्जी भी और न्यूट्रिएंट भी, तो ये डेट्रिटस हो गया, मतलब डेट्रिटस डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया। अब डेट्रिटस से ओनली एंड ओनली मिनरल जाएंगे प्रोड्यूसर, तो ये जो आप जानते हैं लिविंग बायोमास है, ईच और एवरी ट्रॉफिक लेवल में, या एक पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग बायोमास है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, वो स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर लिविंग टू लिविंग, PPPCSATC, लिविंग टू लिविंग ट्रांसफर हो सकता है। डेड डेथ होती वो लिविंग बायोमास से हट जाता है। कोई भी मान लो पौधे की पत्ती भी टूटी तो लिविंग बायोमास से हट गया वो, तो डेट्रिटस बन गया। फिर उसका डिकम्पोजन होता है तो सोयल में जो इनऑर्गेनिक मिनरल है वो स्टैंडिंग स्टेट है। स्टैंडिंग स्टेट नॉन लिविंग से लिविंग में सर्कुलेट कर सकती है, बट स्टैंडिंग क्रॉप कभी सर्कुलेट नहीं कर सकती, लिविंग से लिविंग ही सर्कुलेट करती है। तो देखो इट इज द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होगा है ना, और ये भी पॉसिबल नहीं है। इट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ नॉन लिविंग मैटर, नहीं लिविंग मैटर है, ये भी नहीं होगा। इट कैन नॉट बी सर्कुलेट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बिल्कुल सही है, इट कैन बी सर्कुलेटेड, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यस बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन, भाई आप बताओ निम्न में से जलारंभ के अनुक्रमण आपको दे रखा है। एक न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, नवनिर्मित तालाब है, तो नवनिर्मित तालाब में मैंने आपसे बताया था सबसे पहले आप कहते हैं फाइटोप्लैंकटन, फिर सबमर्ज्ड वेलेसनेरिया, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर आप जानते हो रीड स्वैम्प, मार्स मिडो, स्क्रब, यस और नो। तो यहां पर देखना डायटम करेक्ट है, वेलेसनेरिया, साल्विनिया, मडी प्लांट, ऑक, या डायटम साल्विनिया पहला आ गया, ये इनकरेक्ट हो गया। साइनोबैक्टीरिया ठीक है लेकिन एजोला आ गया, इनकरेक्ट हो गया। आइकोर्नी आ गया लेकिन डायटम आ गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट ये बेटा डायटम, पाइनियर प्लांट है, सबमर्ज्ड है, जल निमग्न जल में डूबे हुए, फ्री फ्लोटिंग है, फिर मडी प्लांट मार्स मिडो आ गया, फिर ऑक मीजोफाइट्स आपका आ गया, ट्री आ गया सीधे, लेकिन आप जानते हो कि फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 154, ग्राफ कई बार आ चुका है, आप समझ सकते हो, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये भी समझा चुका हूँ। यहाँ पूछा कि इन अबव ग्राफ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया विच इज रेक्टेंगल हाइपरबोला एट लॉन्ग स्केल, इट शो स्ट्रेट लाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया लाइन इज मोर स्टीपर, कि किस एरिया में ये अधिक स्टीपर होगी। तो जहां जाके विविधता ज्यादा, स्थानिकता ज्यादा, वहां ऊपर जाकर स्थिर होगा, जितना ये ऊपर जाकर स्थिर होगा उतनी स्टिफनेस, अरे ढाल अब ज्यादा होगा ना उससे निम्न, ये स्टिफनेस ज्यादा होगी, एक तो ये है एक ये है, तो स्टिफनेस इसमें ज्यादा है, तो ढाल में प्रवणता जितनी ज्यादा होगी कहाँ होगी, या तो बहुत संपूर्ण महाद्वीप में, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि वहां पर स्थानिकता भी उच्च होती है, विविधता भी उच्च होती है ना, डायवर्सिटी और एंडेनिज्म दोनों ही हाई होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 155, एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन एंड स्टीलर सी काउ, अरे भाई पैसेंजर कबूतर स्टीलर समुद्री गाय के विलुप्ता का कारण क्या, भी वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गई भाई, आप समझ सकते हैं कि उनका ओवर एक्सप्लोइटेशन हुआ, उनका शिकार किया गया, आंसर क्या हो गया, थर्ड आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 156, विच वन रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप जानते हैं बेटा, जैसे हैबिटेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वहाँ अदर भी रह सकते हैं जो उसके साथ कम्पीट कर सकता है, या प्रीडेशन
प्रीडेटर हो सकता उसका कोई भी। लेकिन आप जानते हो जैसे ये ट्री है, ये ट्री है, इस पर दो टाइप के बर्ड का एग्जिस्टेंस हैबिटेट सेम हो सकता है। जैसे एक बर्ड स्पीसीज फर्स्ट है जो आप जानते हैं कि सीड को खा रही है, तो सीड को खाएगी तो पीसी होगी ना। एक बर्ड स्पीसीज सेकंड है जो इंसेक्ट को खा रही है, तो यहां पर आप जानते हैं कि एससी होगी ना। आप जानते हो दोनों का हैबिटेट एक है, लेकिन निक्के अलग अलग हो गया। निक्के क्या है बेटा, निक्के किसको शो करता है, निकेत किसको शो करता है, प्रोपेशन। इकोसिस्टम में उसका रोल क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, यानी किस टाइप के रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है, रेंज और टॉलरेंस, उसका टॉलरेंस का रेंज क्या है, और किस टाइप के रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है, उसका फंक्शनल रोल नेचर में क्या है, वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नीके को। तो यहां पर आपका आंसर होगा इकोलॉजिकल नीके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और नीके मैंने आपको समझा दिया है दो स्पीसीज का हैबिटेट सेम हो सकता है, लेकिन निक्के सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि निक्के अगर ओवरलैपिंग करता है तो कंपटीशन होता है और किसी ना किसी इन्फीरियर को वहां से जाना होता है। यस बेटू, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157, इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल टू द एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन द सेफर्ड। बहुत बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी हैबिटेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट होगा, अनुकूलित होगा। तो जैविक स्तर पर जो पारिस्थितिक है, आप जानते हो अगर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इकोलॉजी स्टडी करो तो आपके एंसर सीधा देखेगा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होगी, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्योंकि जिस हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ के अदर बायोटिक के साथ वो इंटरेक्ट करता है, और एनवायरमेंटल के जो फिजिकल कंपोनेंट है, फिजियोकेमिकल, टेम्परेचर, रेनफॉल या जो भी आपके उनसे भी वो करता है, इसको आप कहते हो कार्य की परिस्थिति, इसको आप कहते हो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। यस बेटा, तो सेकंड आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 158, विच इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टराइज फॉर ईच टाइप ऑफ कम्युनिटी। देखो अगर अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़े, पदानुक्रम के अकॉर्डिंग पढ़े, अपन संगठन के स्तर के अकॉर्डिंग पढ़े, तो बायोटिक कम्युनिटी केवल असेंबलेज ऑफ डिफरेंट टाइप पॉपुलेशन है, बायोटिक बायोटिक तरह तरह की पॉपुलेशन का असेंबलेज है जो आपस में इंटरेक्ट करती है। यस, अब उसमें जब फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन आती है, भौतिक पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन आती है, दे इंटरेक्ट देयर फिजिकल एनवायरमेंट, असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन, दे इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड दे इंटरेक्ट देयर फिजिकल एनवायरमेंट, तब आपका इकोसिस्टम होता है। यस, और उससे अगला लेवल आप जानते हैं कि लार्ज इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर की बात होती है। तो यहां देखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना जो प्रत्येक प्रकार की पारितंत्र की विशेषता है, यही आपका इकोसिस्टम होता है बेटा। यस, तो आप समझ रहे हैं कि आंसर बी यहां पर करेक्ट हो गया, सी, इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोलॉजी। तो अपन अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, बात आपकी नहीं होगी। यस बेटा, तो देखिएगा फिर अपन देखते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉसिबली नहीं पॉपुलेशन, तो बायोटिक की बात आपकी होती है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड, यानी ए सी डी तो इनकरेक्ट हो गए, और बी आपका करेक्ट, आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो ए सी डी क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है बेटा, Which one of the following is categorized as a parasite in true sense? निम्न में से कौन सा सही संदर्भ में परपोषी के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है? Yes, बेटू, यानी जो parasite है, host है, तो आप जानते हैं human fetus developing inside the uterus draw nourishment from the mother, परिवर्तनशील मानव भ्रूण गर्भस्थ शिशु मादा गर्भाशय से पोषण प्राप्त करता है। बेटा ये तो एक ही टाइप की स्पीसीज होगी, आप जो पढ़ रहे हो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, जहां दो जातियों के बीच इंटरेक्शन होनी चाहिए, तो वैसे ही तो बात ही नहीं होगी, कई बच्चे यहाँ भावुक हो जाते हैं। यस, द फीमेल एनोफिलीज बाइट एंड सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमन, ये भी नहीं, जनरली फीमेल एनोफिलीज को पैरासाइट कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि अपने बॉडी पर फ्यू सेकंड के लिए रहती है, और अपना जो ब्लड सक करती है उस ब्लड को कभी भी वो आहार के रूप में, अपने फूड के रूप में यूज नहीं करती है, न्यूट्रिएंट के रूप में यूज नहीं करती है, उसको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करती है रिप्रोडक्शन के दौरान। यस, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Head loss living on the human scalp as well as laying egg on human hair
मनुष्य के सिर पर जू का रहना, साथ ही मनुष्य के बालों में अंडे देना, है ना बेटा। तो ये आपका एक्टोपैरासाइट है। देखो रियली में पैरासिटिज्म दो ही, एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट। ये जो आप ब्रूड पैरासिटिज्म पढ़ते हो ये नेचर में, क्योंकि यहाँ पर भी शोषण हो रहा है कोए का, इसलिए इसको एक श्रेणी दे दी जाती है ब्रूड पैरासिटिज्म, बल्कि रियल पैरासिटिज्म नहीं है। रियल पैरासिटिज्म, वास्तविक पैरासिटिज्म एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 160। ऑर्गेनिज्म विद वेरी हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, अधिक उच्च अंतर्भूत वृद्धि पर जीव रखते हैं। देखो अगर हाई इंट्रिंसिक रेट है, इसमें आर वैल्यू बायोटिक पोटेंशियल हाई है, डार्विन फिटनेस, इसका मतलब हो गया कि ज्यादा संख्या में प्रोजेनी उत्पन्न कर रहे हैं, तो साइज तो क्या होगी? स्मॉल होगी। और शॉर्ट लाइफ स्पान होगा, जीवन अवधि शॉर्ट होगी, शॉर्ट जनरेशन आपका टाइम होगा। तो यहां पर शॉर्ट जनरेशन टाइम आपका होगा, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अपने स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ते हैं बेटा कि ए प्लेस ऑक्यूपाइड बाई बायोलॉजिकल कम्युनिटी, और आप समझ सकते हैं कि ए प्लेस ऑक्यूपाइड बाई बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इंट्रैक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रक्चर। भाई देखो जैव समुदाय द्वारा अधिकृत एक स्थान है, जैविक और अजैविक घटकों के अन्योन्य क्रिया भौतिक संरचना बनाती है, बिल्कुल सही, इकोसिस्टम, फंक्शनल सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ नेचर, और ये वेटलैंड है, रिवर है, एशरीज है, ये सब, ये किसको, किस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं? इकोसिस्टम को। तो आप समझ सकते हैं कि सारे इकोसिस्टम की लाइनें आपके एनसीईआरटी से। जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 161 है, मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी का पेज नंबर भी आपको बता दूं कि जो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर वाला है वहां से ये है। यस बेटो, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 162। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब के पारितंत्र के बारे में, है ना बेटा, जो तालाब का पारितंत्र है उसके बारे में आपसे जो पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। यस, तो देखो जल तथा पोषक प्रचुर मृदु कीचड़ पारितंत्र के अजैविक घटक है, बिल्कुल सही है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिच सॉफ्ट मड आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सोलर इनपुट, साइक्लोप टेम्परेचर, डे लेंथ रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि ये करेक्ट है और आपसे पूछा है क्या बेटा, इनकरेक्ट। फिर देखो फंजाई आर द मोस्ट एबुडेंट डिकम्पोजर ऑफ दिस इकोसिस्टम, कि कवक इस पारितंत्र के सर्वाधिक प्रचुर अपघटन करता है, ये गलत बात आपकी हो जाएगी। यस बेटा ये रॉन्ग है, तो आंसर विल बी थर्ड। यस, और आप जानते हैं कि द जू प्लैंकटन फ्री स्विमिंग बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म आर मैक्रो कंज्यूमर ऑफ दिस इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। यस बेटो, तो 162 आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा 163। हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर पॉसिबल फॉर ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम। तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि देखो बेटा, यदि अपन ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम लेते हैं, वृक्ष प्रभावी पारितंत्र, अगर अपन वृक्ष प्रभावी पारितंत्र लेते हैं तो वहां एक तो फूड चेन आपकी होती है पैरासाइट फूड चेन, तो इन्वर्टेड। जैसे अगर अपन ये फूड चेन ले ट्री एक संख्या में, फिर आप जानते हो कि पैरासाइट उस पर, या अपन ऐसे कहते बर्ड उस पर कई, और फिर उसके ऊपर पैरासाइट, ठीक है ना, वृक्ष पक्षी और परजीवी, ठीक है। और ये आप समझ सकते हैं कि आपका स्पिंडल हो जाएगा, जैसे कि ट्री, फिर आप जानते हो कि इंसेक्ट, स्मॉल बर्ड और लार्ज बर्ड। यस बेटा, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये दो टाइप आपके वहां पर हो सकते हैं, इन्वर्टेड और स्पिंडल। तो कैन बी स्पिंडल इन्वर्टेड, थर्ड आपका आंसर होगा। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। हाउ मेनी गिवन लिस्ट ऑफ एरिया विच वेयर सक्सेशन टेक सेवरल थाउजेंड ईयर टू रीच क्लाइमेक्स कम्युनिटी। भाई क्षेत्रों की दी गई सूची में कितनों में अनुक्रमण चरम समुदाय तक पहुंचने में हजारों वर्ष ले लेता है, तो थाउजेंड ईयर आप प्राइमरी सक्सेशन में रखते हैं। प्राइमरी सक्सेशन बेयर रॉक पे प्राइमरी होगा, नगर चट्टान पे, क्योंकि वहां कोई भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और जहां किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं है वहां पर प्राइमरी स्टार्ट होता है। न्यूली फॉर्म लेक यहां पर भी होगा, सैंड ड्यून्स यहां पर भी होगा, न्यूली फॉर्म लावा यहां पर भी होगा, ब्रंट एंड कट फॉरेस्ट यहां नहीं होगा क्योंकि यहां सोयल पहले से है, जले और कटे वन के अंदर यहां सेकेंडरी सक्सेशन होगा। तो एक को छोड़कर बाकी के सारे हैं, पांच देर तो चार हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 165। सक्सेशन इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायोमास, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। द चेंज इन इन दीज कैरेक्टर आर, एक वन पारितंत्र में जब आप जानते हो सक्सेशन हो रहा है, अनुक्रमण, जाति विविधता, जैव मात्रा, कुल सामुदायिक उत्पादकता,
परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होता है, इन लक्षणों में परिवर्तन है। देखो बेटा, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, बायोमास डिक्रीज, गलत हो जाएगा, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज, बायोमास इंक्रीज, गलत हो जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज, बायोमास इंक्रीज, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर विल बी थर्ड। यस बेटा, क्योंकि जाति विविधता भी बढ़ती है, बायोमास भी बढ़ता है, जैव भार बढ़ता है, बड़े आकार के जंतु भी आते हैं, लेकिन एनसीपी जो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यस बेटा, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 166, अकॉर्डिंग टू द वन कंसिडरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन रिलीज बाय द अमेजन रेन फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो बेटा, अमेजन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ प्लेनेट। अभी कोरोना में आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा ऑक्सीजन सिलेंडर का मूल्य, तो ध्यान दीजिएगा, सेव नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों को बचाओ, सेव ट्री, सेव फॉरेस्ट एंड सेव लाइफ। आप समझ सकते हैं अमेजन वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े, और आप जानते हो वर्षावनों में सबसे ज्यादा विविधता होती है, मुख्य वर्षावन भी 14 से 6 पे आ गए, अमेजन भी बहुत तेजी से घट रहे हैं, वो 20% ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहे हैं बेटा, आप समझ सकते हो टोटल ऑक्सीजन का। आंसर विल बी 4, जो डेटा आपके एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो 166, आपके पेज नंबर 265 पे एक लाइन है बहुत अच्छी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्पीशीज लेवल डायवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, जिसको अपन कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, है ना। अगर अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे ये करें तो आपको बायोडायवर्सिटी चैप्टर में एनसीईआरटी में सीधी लाइन दे रखी, बायो प्रोस्पेक्टिंग इसको अपन कहेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 168, ग्रीन मफलर स्कीम इन्वॉल्व ग्रोइंग ग्रीन प्लांट अलॉन्ग रोड साइड। बट आप जानते हो कि सड़क के किनारों पर हरे पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे लगाना, ग्रीन मफलर ये नॉइज पोल्यूशन को कम करने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नॉइज पोल्यूशन को कम करता है। ऐसे साउंड प्रूफिंग ये भी लगाए जाते हैं, ध्वनि अवशोषक यंत्र फैक्ट्रियों में लगाए जाते हैं। यस, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 169, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डाटा लिस्ट हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट हैव बीन एक्सटिंक्ट, IUCN की लाल सूची के अनुसार कशेरुकियों की कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी हुई, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, आप बताओ। तो आप समझ रहे हैं कि जो 169 क्वेश्चन आपका है बेटा, 263 पेज नंबर पे आप जानते हैं, और इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है, 338, ये सीधा डेटा है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 170, ऑफ ऑल इंसेक्ट नॉन टू फाइटोफैगस, भाई टोटल इंसेक्ट का 25% फाइटोफैगस है, ये प्रीडेटर है, प्रीडेशन में आपको दे रखा है कि कुल कीटों का 25% फाइटोफैगस है, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 171, इन जीआरक सक्सेशन विच स्टेज कम आफ्टर द मास स्टेज या मोस स्टेज, यहाँ पर मोस स्टेज आएगी। अरे भाई, जीरो सिरे में सीधी बात बता दूं, सबसे पहले लाइकेन, अगर अपन लाइकेन को भी सब डिवाइड करें तो क्रस्टोज लाइकेन, परपटी में सेवा क्रस्टोज लाइकेन, फिर फोलियोज लाइकेन आपका हो जाएगा, फिर आप जानते हैं कि लाइकेन के बाद आपका हर्ब, पहले मॉस आएगा पॉलीट्राइकम मॉस, फिर आप जानते हो कि हर्ब यानी ग्रास, और फिर सर्ब झाड़ी, और फिर आप जानते हैं कि फॉरेस्ट आ जाएगा, क्लाइमैक्स पे आपका फॉरेस्ट आ जाएगा। यस, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हर्ब स्टेज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा 172, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट ग्रोव इंडिया इज इन मेघालय, मेघालय के अंदर कौन सी पवित्र उपन हो भाई, तो आप समझ सकते हैं कि मेघालय के अंदर खासी और जयंतिया की हिल्स, खासी जयंतिया हिल्स इन मेघालय, खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां मेघालय के अंदर है, चंदा बस्तरी एमपी में है, वेस्टर्न घाट रीजन अलग है, अरावली राजस्थान में है, आप समझ सकते हैं आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए 173, रमेश चंद्र डागर हैज क्रिएटेड, रमेश चंद्र डागर ने क्या स्थापित किया, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब ने स्थापित किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, पहले भी अपन क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 174, मार्क द ऑड वन इन रेफरेंस ऑफ एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में एक विषम का चयन कीजिए। तो बेटा आप समझ सकते हो कि फिश मोर्टेलिटी, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ वाटर और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ना कि भाई स्मॉल अमाउंट में लार्ज अमाउंट की आपकी बात हो जाएगी, तो सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 175, ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंज दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर, भाई आप जानते हो कम्युनिटीज में चेंज होता है, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन नंबर 175 है, 175 बेटा सीधा एनसीईआरटी लाइन है 275 या 76 पेज पे, कि ऑर्डरली और सिक्वेंशियल होंगे आपके, क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 176, आर सेलेक्टेड स्पीसीज, ये नीट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज मतलब डार्विन फिटनेस, पार्टी पोटेंशियल हाई हो,
तो ये वही बात है कि कुछ तो अपने जीवन में एक बार ही रिप्रोड्यूस होती हैं, जैसे बांस और पैसिफिक साल्मन फिश जो अनेक बार होती हैं। अगर अधिक संख्या में तो छोटी अमाप की, छोटे अमाप की अधिक संख्या में, यस। और लाइफ स्पान का शॉर्ट होगा, तो देखो शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा हाई स्टेबिलिटी लो बायोटिक पोटेंशियल नहीं, लो स्टेबिलिटी लो बायोटिक पोटेंशियल नहीं, शॉर्ट लाइफ टाइम हाई ग्रोथ रेट, ये आपका थर्ड आंसर आप यहाँ पर आपका हो जाएगा, यस बेटू। नेक्स्ट अपन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 177, स्पीसीज विच प्ले वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग रिलेटिव एविडेंस ऑफ अदर स्पीसीज एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड। जातियां जो अन्य जाति प्रचुरता को नियंत्रित करने का समुदाय कार्य नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई कुछ जीवों की संख्या बहुत कम होती है, टाइगर है, लॉयन है, जैसे मैंने फिग ट्री भी बताया था, लेकिन वो बहुत ही बहुत इसेंशियल है, उनके बिना इकोसिस्टम पे कंट्रोल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। और इकोसिस्टम आप समझ सकते हैं कि मतलब अपना एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपना एग्जिस्टेंस लॉस्ट कर सकता है। उन स्पीसीज को आप कहते हैं की स्टोन, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन जरूरी है की स्टोन स्पीसीज की, टाइगर की, लॉयन की, आप जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर एग्जिस्ट होने के करेक्टर है कि लार्ज बॉडी साइज है, लो बायोटिक पोटेंशियल है, ट्रॉफिक लेवल पे हाई पे हैं, टॉप कार्निवोरस हैं, यस बेटा। और रेस्पिरेशन रेट तो बहुत ज्यादा है, तो ये आप जानते हो कि कीस्टोन स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 178, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज सॉइल फॉर्मेशन, अरे भाई मर्दा निर्माण पे टोटल का 50% खर्च होगा। रॉबर्ट कोसेंटेंजा की इकोसिस्टम सर्विसेज का पैराग्राफ एनसीईआरटी के अंदर पढ़िए, 178 क्वेश्चन के लिए आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी में आप देखिए आराम से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 179, मीनिंग ऑफ आइकोस, बेटा आइकोस का मीन होता हाउस, हाउस मतलब घर है ना, मतलब हैबिटेट, और जीवों के हैबिटेट का अध्ययन क्या होता है, इकोलॉजी, यस बेटा। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा होम, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 180, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और बहुत ही अच्छे से इस सेशन को बहुत अच्छे से अपन ने पूरा किया, पार्ट फर्स्ट में 1 से 90 आपकी बात की, पार्ट सेकंड में 91 से 180, तो टोटल 180 क्वेश्चन का एक लंबा सफर था। सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल होता है 180 क्वेश्चन का, 180 क्वेश्चन को फ्रेम करना भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल होता है बेटा जी, लेकिन आप जानते हो हमने पूरी तरह से एनसीईआरटी की लाइंस को ध्यान में रखा है, पूरा प्रयास किया है कि आपकी पूरी एनसीईआरटी तैयार हो। सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो वो भी आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आती रहती है, थोड़ा सा देख कर कई बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आप देखिएगा लास्ट क्वेश्चन 180, विच कैटलाइज इज आर यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर टू रिड्यूस इमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, जो स्वचालित वाहन होते हैं उनके एग्जॉस्ट में धुआं उत्सर्जक में कैटालिटिक कन्वर्टर फिट किए जाते हैं, और उनके अंदर जो बहुत ही महंगी धातु होती है, एक्सपेंसिव मेटल्स होती है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है और रोडियम है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। इजी वे के अंदर आपके 272 पेज पे आपको दे रखा है। तो अपने बेटा पूरी एनसीईआरटी को कवर किया इस सेशन में, फिर भी जाने अनजाने में लैंग्वेज में फास्ट में कोई गलती हो गई हो तो आप अच्छे से आप पकड़ लेंगे उसको, तो एनसीईआरटी से आप उसको सही तरीके से कीजिएगा। पूरी इकोलॉजी के एनसीईआरटी को पढ़ते हुए पेपर के ऑप्शंस को देखते हुए पूरे सेशन को आप पूरे सॉल्यूशन को आप देखते हैं तो इकोलॉजी आपकी 100% तैयार हो जाएगी। हम आपके साथ हमेशा हैं और आप 2021 में टॉप रैंक दें। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय इकोलॉजी, रिवाइज इकोलॉजी, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड गेट योर टारगेट। थैंक यू वेरी मच।